हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की पृष्ठभूमि पर इस वर्ष गणेश उत्सव एक सरल तरीके से मनाया जा रहा है। गणेश विसर्जन के दौरान भीड़ को रोकने के लिए सरकार ने नियम भी जारी किए हैं। विसर्जन के लिए अब एक अनूठी अवधारणा को बाड़मेर शहर में लागू नजर आया। बाड़मेर में गणेश के विसर्जन के लिए तालाब आपके घर की अवधारणा को लागू किया जा रहा है। गणपति विसर्जन स्थल पर लोगों की भीड़ को कंट्रोल करने व कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों ने बाड़मेर शहर में घरों के आगे कृत्रिम तालाबों की व्यवस्था की गई है। कुछ कृत्रिम फिरते तालाब वाहनों पर है तो कुछ जगह लोगों ने बड़े बड़े कढ़ाइयों को तालाब में बदल दिया। इन जगहों पर लोगों ने गाजे बाजे के साथ गणपति विसर्जन किया। शहर के कई गली मोहल्लों में लोगों ने 22 तारीख से शुरू गणपति महोत्सव के तहत घर घर स्थापित गणेश मूर्तियों को लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर जमकर नाच गाने के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्तियों को विसर्जित किया। बाड़मेर शहर के रॉय कॉलोनी में गाजे बाजे के साथ गणपति विसर्जन किया गया। आशापुरा युवा मित्र मंडल ने गाजे बाजे के साथ जस देसल तालाब में गणपति विसर्जन का आयोजन किया। इस मित्र मंडल के सदस्यों ने कोविड-19 के मेडिकल एडवाइजरी की पालना करते हुए महज 4 से 5 सदस्यों ने मूर्ति विसर्जन किया। आयोजन समिति के अमीशा भाटी, आशीष मोटवानी, कार्तिक तापड़िया, प्रिंस भाटी, दिव्य चांडक और दिव्य भाटी ने विसर्जन से पहले महाआरती में भाग लिया। वहीं दूसरी तरफ शहर के विभिन्न गणपति सेवा समिति के तत्वावधान में रविवार को गणेश महोत्सव के पर्व पर श्री गणेश प्रतिमा के विसर्जन से पूर्व विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इसके बाद गणपति भगवान की महाआरती व छप्पन भोग लगाए गए। रविवार को श्रद्धालु श्री गणेश जी की प्रतिमा को लेकर जालीपा और जस देसर तालाब के तट पर पहुंचे। यहां पर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आगे जय घोष के साथ प्रतिमा को इन तालाबों में विसर्जित कर दिया। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से इस साल सामान्य तरीके से गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों ने गणपति की स्थापना की, इसके बाद अपनी श्रद्धा के अनुसार गणपति का विसर्जन कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए इस बार लोग अपने घरों और मंदिरों के आगे ही गणपति विसर्जन करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग मूर्तियों को तालाब में विसर्जित करते नजर आ रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।